गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको वॉयस के बारे में बता रहे हैं, जो कि वॉयस का पार्ट वन पार्ट हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वॉयस का पार्ट टू, और पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि पैसिव चार्ट कि एक टेंस को हम दूसरे में कैसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझना बिल्कुल क्या रहे, आसान रहे, और अंग्रेजी और रटना बिल्कुल आप भूल जाइए। तो देखिए, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, पैसिव चार्ट है, एक तरफ एक्टिव वॉइस है और दूसरे तरफ आपका पैसिव वॉइस है। तो देखिए, एक्टिव यदि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, किस टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नंबर टू, यदि एक्टिव आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम प्लस बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तीसरा है, एक्टिव यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नंबर फोर, एक्टिव यदि पास्ट सिंपल में है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ वाज, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट, यदि एक्टिव आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी वाज, वर्ब के बाद आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ वाज, वर्ब प्लस बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नंबर सिक्स, एक्टिव यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी हैड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में हैड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। सातवां है, सेवन नंबर, अगर एक्टिव आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में है, फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है, विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो पैसिव में विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नंबर एट, क्योंकि हमने बताया है केवल आठ टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, तो अगर एक्टिव आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, यानी विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो पैसिव में विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब मॉडल्स में आ जाइए, अगर एक्टिव में कैन और मे है, तो पैसिव में कैन बी और मे बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर एक्टिव में शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, यूज्ड टू बी और इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर एक्टिव में हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू है, तो पैसिव में हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही पैसिव का चार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो मेरे इस चैनल पे जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना है आप ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।